नमस्कार, इंडिया 24/7 देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूँ दिव्य तिवारी। अब आपके शहर के रिपोर्टर बताएंगे आपके शहर का हाल। शुरू करते हैं शहर रिपोर्टर। दिल्ली में कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है और सुबह 9:30 बजे होने वाली इस बैठक में यूपी समेत देश के नए सियासी हालात पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इसमें यूपी और उत्तराखंड के सीएम का नाम भी शामिल रह सकता है और इस पर भी चर्चा हो सकती है। इसी के साथ बीजेपी ने अपने सांसदों को 16, 17 और 20 मार्च को संसद में उपस्थित रहने के लिए व्हिप भी जारी किया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस गोवा और मणिपुर में जोड़ तोड़ की सरकार के मुद्दे को संसद में उठाएगी, जिसको लेकर बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है। कल यानी कि 16 तारीख को दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है और इससे पहले सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम तय हो गया है। हालांकि औपचारिक ऐलान बाकी है। सूत्रों के मुताबिक कल संसदीय बोर्ड की बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर मुहर लग सकती है। यूपी में सीएम के लिए अब सिर्फ दो नामों पर चर्चा हो रही है और सूत्रों के मुताबिक इसमें राजनाथ सिंह और केशव प्रसाद मौर्य का नाम शामिल है। साथ ही 20 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक संभव है। सूत्रों के मुताबिक भैयाजी जोशी समेत संघ से जुड़े कई और लोग राजनाथ सिंह को यूपी में लाने के पक्ष में है और अगर राजनाथ सिंह यूपी के सीएम बने तो नितिन गडकरी नए गृह मंत्री होंगे। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह संघ के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने इस बारे में संघ के वरिष्ठ नेता कृष्ण गोपाल से और भैयाजी जोशी से भी बातचीत की है। गोपाल संघ और भाजपा के बीच समन्वय बनाए रखने का जिम्मा संभालते हैं और इसी के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल तय है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय समेत कई विभागों में बड़ा फेरबदल हो सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजों का भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल पर असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर पर होगा, ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है। यूपी का सीएम कौन होगा, इस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी तेजी से उछल रहा है। लिहाजा इस पर राजनाथ सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन राजनाथ सिंह ने इसे गैर जरूरी कयास बताते हुए पार्टी के फैसले को अंतिम बताया है। सर, बड़ा खबरों में एकदम चल रहा है आपका नाम। फालतू बात अनावश्यक है। क्या फालतू बात नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री के संभावित उम्मीदवारों में राजनाथ सिंह के अलावा योगी आदित्यनाथ, मनोज सिन्हा, सतीश महाना, स्वतंत्र देव सिंह और दिनेश शर्मा के नाम चल रहे हैं। गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने में असफल रही कांग्रेस ने आज संसद में जमकर हंगामा किया। गोवा और मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनने के विरोध में राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों ने आज वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। जवाब में सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी नारेबाजी से जवाब दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दोनों राज्यों में बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई हैं और राज्यपालों ने बीजेपी एजेंट के तौर पर काम किया है। जवाब में बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को अपनी हार को पचाना सीखना चाहिए। एब्सोल्युटली क्लियर एंड दैट्स द सेटल्ड पोजीशन इन लॉ दैट इफ देयर इज नो क्लियर मेजॉरिटी ऑफ एनी पार्टी द गवर्नर इज ओब्लाइज्ड, दैट इज द लॉ पोजीशन टू First invite the leader of the largest party in the to form the government and to prove their majority. In case they are not in a position, then only the second largest party will be given an opportunity. Here, sir, they have turned it upside down. And sorry to say, mandate has been violated, established law and constitutional position has been disrespected. And a party which has won a big state is stealing MLAs, stealing the mandate to cobble together the government. It's a murder of democracy. राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस पार्टी हो या जो और लोग जिनको जनता ने जो है वो नकारा है, लोगों का जो है वो जनादेश जो है वो इनके अहंकार, अराजकता और कुशासन और करप्शन के जो इतिहास है उसके खिलाफ चला जा रहा है। उसके बावजूद भी अहंकार खत्म नहीं हो रहा है। उससे कहते हैं ना, रस्सी जल गई है, बल नहीं गई। विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई 3 बार स्थगित करनी पड़ी। दूसरी तरफ लोकसभा में पीएम के पहुंचने पर बीजेपी के सांसदों ने मेज को थपथपाकर पीएम का स्वागत किया। बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में आज अपना तीसरा झंडा गाड़ दिया। मणिपुर में एन वीरेन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार की शपथ ली।
मणिपुर में बीजेपी नंबर टू रहकर भी नंबर वन बनने में कामयाब रही। राजभवन में गवर्नर नजमा हेपतुल्ला ने सीएम एन बीरेन सिंह के साथ साथ मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एनपीपी के वाई जॉय कुमार मणिपुर के उप मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें कि 60 में से 21 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने मणिपुर में एनपीएफ और एनपीपी के साथ और अन्य दलों के साथ मिलकर पहली बार सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित रेप केस में आरोपी और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित के भाई ने आज पीएमओ के अधिकारियों से मुलाकात कर सुरक्षा की गुहार लगाई। 27 फरवरी से फरार चल रहा गायत्री प्रजापति आखिरकार आज धर लिया गया। आज सुबह लखनऊ के आशियाना इलाके से गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गायत्री प्रजापति पिछले 16 दिनों से फरार था। बता दें कि मंगलवार को उनके बेटे और भतीजे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस ने इस केस के सभी 7 आरोपियों पर शिकंजा कस लिया। गायत्री प्रजापति और उसके साथियों पर एक महिला से गैंगरेप और उसकी बेटी ने रेप की कोशिश का आरोप है। पीड़ित के मुताबिक साल 2014 में नौकरी और प्लॉट दिलाने के बहाने प्रजापति ने उसे लखनऊ के गौतमपल्ली आवास पर बुलाया, जहां नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया और अश्लील वीडियो बनाकर सालों तक उसे ब्लैकमेल किया गया। शुरुआत में पुलिस पर इस मामले को दबाने के आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के वक्त गायत्री प्रजापति सरेंडर करने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी को मिली जीत के बाद विपक्ष के ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाने के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने चुनाव में ईवीएम के टैंपरिंग की शिकायत करने वाली दिल्ली के सीएम केजरीवाल, बीएसपी अध्यक्ष मायावती समेत अन्य विपक्षी नेताओं को ट्वीट कर जवाब दिया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट किया है कि जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी पर शंका जताई है, अब वो ईवीएम पर शक कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लिखा है कि ईवीएम पर सवाल खड़े करने वालों को ये समझना होगा कि अगर हर चीज पर उंगली उठाएंगे तो चुनाव में मतदाता अपनी उंगली उनके नाम पर स्याही लगाने के लिए हाथ नहीं उठाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब चुनाव में नतीजों पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पंजाब में ईवीएम के जरिए कहीं आपके वोट बीजेपी अकाली गठबंधन के खाते में तो नहीं चले गए, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ और वो चुनाव जीत गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनावों से भी ईवीएम की फंक्शनिंग पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी हुए, उसके अंदर बहुत सारे इस किस्म के मसले निकल के आ रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं ईवीएम मशीनों के ऊपर। तो लोगों का ईवीएम मशीनों पर से विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है लोगों का पूरे प्रोसेस पे और मशीनों के ऊपर विश्वास बना रहे इसको कायम करने की। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इसको यू कांट ब्रश इट अंडर द कार्पेट, आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। अगर लोगों का चुनाव के ऊपर से भरोसा मिट गया तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। अगर ईवीएम्स के अंदर गड़बड़ हो सकती है तो फिर तो चुनाव को कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो जो लोग भी ईवीएम में गड़बड़ कर रहे हैं वो लोग तय कर लेंगे भी कांग्रेस को इतनी देनी है, इसको इतनी देनी है और अपने आप को जिता लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम और उससे निकलने वाली पर्चियों यानी वीवीपीएटी का मैच कराने और आरोपी जांच कराने की मांग की है। असम की एक 16 साल की मुस्लिम गायिका के खिलाफ उलेमाओं ने फतवों की बारिश कर दी है। नाहिद आफरीन की गलती बस इतनी है कि उसने पिछले दिनों आईएसआईएस समेत कुछ आतंकी गुटों के खिलाफ गाने गाए थे। नाराज मौलवियों ने 16 साल की बच्ची के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 45 फतवे नाहिद के खिलाफ उलेमाओं ने जारी किए हैं। फतवे में कहा गया है कि कब्रिस्तान और मस्जिद के पास किसी भी तरह के गाने का कार्यक्रम आयोजित करना शरीयत के खिलाफ है। फतवे के मुताबिक मुस्लिम लड़की का गाना गाना शरीयत के खिलाफ है। नाहिद आफरीन ने कहा है कि ऐसे फतवे से डरने वाली वो नहीं है। 45 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे मेरे अगेंस्ट फतवा जारी किया है, तो कल तो एक्चुअली बहुत शॉक्ड हो गई थी मेरे मम्मी पापा और मैं। पहले रिएक्शन में कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया और देखा कि बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम निकल रहा है, नाहिद ने फतवा जारी किया, तो बहुत टूट गई थी मैं अंदर से। और एक दो मिनट के लिए ऐसा भी लगा था कि मुझे शायद संगीत छोड़ना पड़ेगा।
खबर के मुताबिक मंगलवार को असम के होजाई और नागांव जिलों में नाहिद के खिलाफ पर्चे बांटे गए, जिसमें फतवा और इससे जारी करने वाले मौलानाओं के नाम लिखे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिखरी गंदगी बीते जमाने की बात होने वाली है। जल्द ही आपको साफ सुथरे प्लेटफॉर्म नजर आएंगे और सुविधाएं भी ज्यादा मिलेंगी, वो भी बेहद मामूली फीस देकर। दरअसल रेलवे की एयरपोर्ट की तर्ज पर प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने की योजना है। इसके लिए रेलवे मंत्रालय प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट फीस लगाने पर विचार कर रहा है और ये फीस 60 पैसे से लेकर 1 रुपए प्रति पैसेंजर तक लगाई जा सकती है। फिलहाल रेलवे मंत्रालय दो तरह के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। पहला प्रस्ताव ये है कि छोटे स्टेशन पर कम फीस और बड़े स्टेशन पर ज्यादा फीस वसूली जाए, जबकि दूसरा प्रस्ताव है कि सभी स्टेशनों पर एक समान फीस लगाई जाए। रेलवे को इस फीस से अच्छी खासी कमाई की उम्मीद है। इस रकम के इस्तेमाल से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं। यात्रियों को स्वच्छ, साफ और रोशन प्लेटफॉर्म, साफ पीने का पानी, साफ प्रतीक्षालय और प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाएं मुहैया कराने का प्लान है। बायर्स को समय पर पोजीशन नहीं देने पर सुपरटेक को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के कंज्यूमर कोर्ट ने तय वक्त पर फ्लैट का पोजीशन नहीं देने पर सुपरटेक को करीब 56 लाख रुपए वापस करने का निर्देश दिया है, जिसमें 10,000 रुपए की वो रकम भी शामिल है जो याचिकाकर्ता ने मुकदमेबाजी में खर्च किए हैं। कोर्ट ने ये फैसला साउथ दिल्ली निवासी रंजीत भाटिया की याचिका पर सुनाया है। रंजीत भाटिया के मुताबिक उन्होंने जुलाई 2015 में सुपरटेक के नोएडा के एक प्रोजेक्ट में 1,35,00,000 का फ्लैट बुक किया। एग्रीमेंट के मुताबिक जनवरी 2016 में फ्लैट मिले थे। इसको लेकर रंजीत भाटिया ने बिल्डर को 55 लाख से ज्यादा का पेमेंट भी कर दिया था, लेकिन जब तक तय वक्त पर पोजीशन नहीं मिलने पर उन्होंने बिल्डर के खिलाफ याचिका डाली थी। जेट एयरवेज से हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। जेट एयरवेज ने कैब एग्रीगेटर ऊबर के साथ करार किया है। अब यात्रियों को जेट एयरवेज के ऐप पर फ्लाइट बुक करने के बाद एयरपोर्ट तक आने जाने के लिए ऊबर कैब की सहायता मिलेगी। जिन यात्रियों ने फ्लाइट बुक की है लेकिन पहली बार ऊबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें पहली 3 राइड्स पर 150 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के लिए जेट ऊबर प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना होगा। देश के अलग अलग जगहों से आज वायुसेना के जेट विमान और एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर सामने आई। पहली घटना राजस्थान से सामने आई, जहां बाड़मेर के शिवकर में वायुसेना का सुखोई विमान क्रैश हुआ। बताया जा रहा है कि प्लेन अनियंत्रित होकर 3 घरों पर गिरा, जिसकी वजह से 3 घरों में आग लग गई। हादसे के दौरान पायलट ने पैराशूट से कूदकर जान बचाई। वहीं दूसरी घटना यूपी के इलाहाबाद की है, जहां आज वायुसेना का 6 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हालांकि इस हादसे में भी हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बचा लिए गए। हादसे से कुछ देर पहले 6 हेलीकॉप्टर ने बमरौली एयरबेस से उड़ान भरी थी और ये उड़ान वायुसेना की रूटीन ट्रेनिंग का हिस्सा थी। बताया जा रहा है कि दोनों ही हादसे तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुए। मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उसके स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि SU-30 एयरक्राफ्ट था जो उड़ान में था जोधपुर से और वो ही यहाँ क्रैश हुआ है। तो सर नुकसान क्या हुआ है, बता रहे गाड़ियों चली है कुछ? 3 गाड़ियों में नुकसान हुआ है, लेकिन जनहानि कोई भी नहीं हुई है। एक जानवर की मौत हुई है और दूसरे की गाड़ी के 3 सदस्य, दो दादा दादी और पोता उनका, ये तीनों बनों के उनके सूचना मिली है जो जिला चिकित्सालय में भेज दिए गए हैं और वहाँ से फिर सूचना प्राप्त हुई है कि वो आपको डेंजर है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार सेना के विमानों के क्रैश होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। राजस्थान के बाड़मेर में कुछ महीने पहले MiG-21 लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आज मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ तब हुई जब सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG के साथ मिलकर कुपवाड़ा के कलारूस में एक तलाशी अभियान चला रहे थे। ये बताया जा रहा है कि गांव के एक घर में छिपे आतंकियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी तुरंत पोजीशन ली। कई घंटे की फायरिंग के बाद 2 आतंकियों को मार गिराया गया। फायरिंग में SOG का भी एक जवान घायल हो गया। ये बताया जा रहा है कि आतंकी 2 से 3 थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। कश्मीर में 3 दिन के भीतर ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। रविवार को पुलवामा के त्राल में हिजबुल और जैश के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक घाटी में पिछले 2 महीनों में सेना और BSF ने 28 आतंकी मार गिराए हैं। घाटी में हिजबुल और लश्कर के करीब 200 पाकिस्तानी आतंकियों के सक्रिय होने की आशंका है।
बिहार के बेगूसराय से पुलिस ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आतंकी शख्स के पास से रेल ट्रैक का नक्शा, कई बैंकों के पासबुक और विदेशी सामान बरामद हुए हैं। पटना एटीएस की टीम संदिग्ध आतंकी से पूछताछ कर रही है। दरअसल बरियारपुर थाना इलाके की रहने वाली सोनी नाम की लड़की से शिवम नाम के लड़के ने यूपी के बाराबंकी में शादी की थी, लेकिन शादी के बाद वो कभी अपनी पत्नी को ससुराल लेकर नहीं गया। लड़का ससुराल में रहकर ही पानी की तरह पैसा बहाता था। जब इसकी हरकत संदिग्ध लगी तो गाँव वालों ने पुलिस को इत्तला की। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। शिवम खुद को यूपी के फैजाबाद का रहने वाला बता रहा है, लेकिन पुलिस ने जब इसकी जांच की तो पता गलत निकला। क्या बताता था, क्या करता है, नहीं कहां रहता है, क्या करता है? उसके साथ कभी ससुराल गई थी? नहीं जी, मैं यहां पर जाता था परीक्षा देने के लिए। परीक्षा देने के लिए गया, बोला क्या जो हम जा रहे परीक्षा देने के लिए, और कुछ नहीं। वो सब कागज पत्थर था, किताब उताब सब था उसका, रेलगाड़ी का सब किताब उताब था, तब ले गया सब। खानापुर गांव में सबसे बड़ी ये खूबी है कि गलत चीज हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। उस रूप में इसको आदरणीय थाना अध्यक्ष जो है राघवेंद्र जी, उनसे बात हुई, वो आए और उन्होंने अपना अच्छा काम किए, उसको पकड़ के ले गए। आशंका है कि शिवम नाम के इस शख्स का संबंध शमसुल हुदा आतंकी संगठन से हो सकता है। छत्तीसगढ़ में सुकमा के भेज्जी में सीआरपीएफ पर हुए नक्सलियों के हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासे के मुताबिक पिछले 3 महीने से नक्सली हमले की योजना बना रहे थे और पहले ही लैंडमाइंस और आईईडी बिछाए जा चुके थे। नक्सली केवल जवानों के वहां आने का इंतजार कर रहे थे और शनिवार को जवानों के वहां पहुंचते ही नक्सलियों ने हमला बोल दिया। शनिवार को सुकमा के भेज्जी गाँव में नक्सलियों ने सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में 12 जवान शहीद हो गए थे। यूपी में कन्नौज के जिला अस्पताल शराबी डॉक्टर्स के हवाले है। जिला अस्पताल का मामला कुछ यूं है कि इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर डी एस तोमर ने गंभीर हालत में आई महिला मरीज को भर्ती करने से इनकार कर दिया। बीमार महिला के तमीरदार बेटे का आरोप है कि शराबी डॉक्टर ने उसे अस्पताल से भगा दिया। पीड़ित 1 घंटे तक अपनी बीमार माँ के लिए अस्पताल गेट पर खड़ा रहा। मीडिया के दखल के बाद महिला को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया और बिना इलाज करे महज 15 मिनट में रेफर कर दिया गया। मरीज को रिवर भर्ती किया है पौने 1 घंटे बाद। चलिए, क्या वो नशे में थे डॉक्टर? हाँ, नशे में थे डॉक्टर। अब तो व्यवहार किया आपके? हाँ, भगा दिया हमको यहाँ से तुरंत। हमको तुरंत भगा दिया यहाँ से कि आप यहाँ से तुरंत निकल जाओ। आप नशे में हैं? आरोप ये भी लगा रहे हैं कि आप नशे में हैं। मैं नहीं हूँ, आपको जो करना हो आप वो कर लीजिए। हमारे यहाँ पे फिजिशियन नहीं है। फिजिशियन नहीं हमारे यहाँ भर्ती नहीं करा था जी। सरकारी अस्पताल की हालत का यूपी में ये कोई पहला मामला नहीं, बल्कि सूबे के कई हिस्सों से लगातार ऐसी खबरें सामने आती रही हैं। कानपुर में कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग गिरने से हुए हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। कानपुर के शिवराजपुर इलाके में होली के ठीक बाद हुए हादसे ने प्रशासन की नींद उस वक्त उड़ा दी जब यहां एक कोल्ड स्टोरेज के प्लांट में धमाका होने से बिल्डिंग ही गिर गई। इसके बाद अमोनिया गैस का रिसाव होने से वहां अफरा तफरी का माहौल छा गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त मौके पर करीब 25-30 मजदूर काम कर रहे थे। इससे पहले 1 फरवरी को जाजमाऊ इलाके में एसपी के स्थानीय नेता की 6 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोग मौत की नींद सो गए थे जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी थे। पूर्व बीसीसीआई चीफ शशांक मनोहर ने आईसीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। मई 2016 में आईसीसी के चेयरमैन चुने गए शशांक मनोहर ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। शशांक मनोहर का कार्यकाल 2 साल का था लेकिन उन्होंने 8 महीने में ही इस्तीफा दे दिया। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर से शशांक मनोहर की कई मुद्दों पर तनातनी रही। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि शशांक ने बीसीसीआई को तब छोड़ा जब बोर्ड का जहाज डूब रहा था। उनके कार्यकाल के दौरान बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के बजट को लेकर सवाल खड़े किए थे। बता दें कि शशांक मनोहर 2 बार बीसीसीआई के चीफ रह चुके हैं। पहली बार 2008 में अध्यक्ष बने थे और 2011 तक अध्यक्ष रहे। आईपीएल में फिक्सिंग की चर्चाओं के दौरान उन्हें 2015 में एक बार फिर बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया था। बीसीसीआई ने कल आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप करवाए जाने का विरोध किया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट कल से रांची में खेला जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी ने शहर रांची में पहली बार टेस्ट मैच खेला। दूसरे दिन भी रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया। विराट कोहली ने टीम और खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए अगले टेस्ट में जीत का भरोसा जताया। पिछले टेस्ट में DRS को लेकर हुए विवाद पर विराट कोहली ने कहा कि अब बची हुई सीरीज खेल भावना से खेली जानी चाहिए। Towards the end of the season, obviously a couple of more days off in between. As I said, after a good result, obviously feel nice for the guys to recover and recoup.
And it's been a very long season for us, and last two games to go, which we want to finish on a positive note. And the break I think was timely for us as a side, because we played for so long and we played non-stop. So yeah, I'm sure everyone enjoyed the break, and as I said, the focus is back onto this test match and the next one. पहला टेस्ट हारने के बाद दमदार वापसी करने वाली भारतीय टीम रांची का रन जीत कर सीरीज में बढ़त लेना चाहेगी। बता दें कि पुणे टेस्ट जीत कर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत में 14 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता था।